तो बड़ा जादू देखने वाला है आज हम लोग जो है वो बैलेंसिंग का, जिसको ब्लैक मैजिक जो है वो हम लोग बोलेंगे। तो बड़ा आपको क्या करना है, इस व्हील को जो है वो इसके साथ बैलेंस करना है, ठीक है। तो ट्राई करो जरा, अब व्हील छोड़ दो और ये जो है वो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारे पास स्पिनिंग जो है वो हो रही है, मतलब इस पॉइंट पे इस व्हील को होल्ड करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा। कारण क्या है इस चीज का, ठीक है, क्योंकि ये टॉर्क जो है वो लग रही है, जिसकी वजह से ये व्हील इस डायरेक्शन में जो है वो हम लोगों के पास घूम रहा है। तो बेटा देखो, ये जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूं कि इसके अंदर जो है वो किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देखो, मैंने ये अभी व्हील लेके आया हूं, यहां पे जो है वो एक्सेल है लंबा, ठीक है। तो हम लोग क्या देंगे इसको, एक कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है एक मोशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जोर से जो है एक मोशन दे दिया और अब मैं इसको जो है वो इस तरीके से होल्ड कर रहा हूं। अब ये देखोगे आप तो ये व्हील जो है वो नीचे की डायरेक्शन में नहीं गिर रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान देने वाली पता क्या है, कि व्हील ऐसे तो गिर नहीं रहा, लेकिन आप ये देखो व्हील जो है वो इस तरीके से घूम रहा है अपने आप से, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है व्हील का, ये तो हमने नहीं दिया, हमने तो व्हील को सिंपली जो है वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो घुमाया था, और हमने उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या फाइंड आउट किया कि ये व्हील जो है इस तरह से जो है, मतलब एक्सिस के ऊपर जो है, ये वाली पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर जो है वो घूमने लग गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रिक्शन की वजह से ये मोशन स्लो डाउन हो जाएगा और ये व्हील जो है वो इस मोशन को जो है वो क्या कर रहा है, लूज जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसी व्हील को मैं दूसरी डायरेक्शन में जो है वो घुमाऊं, ठीक है, तो इसको देखो ऐसे, पहले मैंने इस व्हील को घुमाया था इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब मैं इस व्हील को जो है वो कैसे घुमा रहा हूं, दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी साइड पे जो डायरेक्शन है तो उस पे जो है वो मैं इसको घुमाऊंगा। तो ये देखो हम लोग पूरा इसको तेज जो है वो घुमा देते हैं और इसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं। अब इसका मोशन अगर आप देखोगे ना, तो ये उल्टी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। पहले ये दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा था, अब ये व्हील जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जो है वो घूम रहा है, ठीक है। तो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि यहां पे ऐसा लगता है कि फिजिक्स जो है वो फेल हो गई है, लेकिन स्टिल ये देख लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो हम लोग व्हील को जो है वो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। काफी आप इसको देख लो, बहुत स्मूथ है और एकदम से जो है ये ड्राइव इस तरीके से जो है वो हमारे पास रह रही है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि ये सब जो है वो क्यों हम लोगों के पास टेक प्लेस जो है वो कर रहा है, ठीक है। देखो यार क्या एकदम से ब्लैक मैजिक मस्त एकदम लग रहा है, ठीक है। ये नाला निकाल के लाया हूं मैं किसी का, ठीक है। तो इसमें जो है आई होप आपको बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो समझ आ रही होंगी। अब मैं इसको ना कॉन्सेप्ट को जो है वो समझाता हूं। व्हील को हम लोग रख देते हैं साइड पे। तो इस पर्टिकुलर मोशन को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। अब देखो, ये जो नाले से मैंने व्हील को होल्ड कर रखा था वो ये है, ठीक है। दूसरा, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिफरेंस, ये वाला जिस एक्सिस पे व्हील घूम रहा है वो ये एक्सिस है। जैसे मैंने व्हील को घुमाया था तो ये पर्टिकुलर एक्सिस पे जो है वो व्हील घूम रहा था। ये जो है थ्रेड इसको बता रहा, ये एक्सिस से इस थ्रेड का डिस्टेंस बता रहा है जो कि छोटा आर है। और हम लोगों के पास, मैंने इसको एक एंगुलर वेलोसिटी जो है वो यहां पे दी है, जो कि हम लोगों के पास क्या है, ओमेगा जो है वो हम लोगों के पास है, ठीक है। अब क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है, तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठाओ सबसे पहले, कि जो हम लोगों के पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, किस चीज की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम लोग एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम लोगों के पास एक्सटर्नल टॉर्क के जो है वो बराबर रहता है। अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शंस को जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने व्हील को जो है, एक बार मैं प्रैक्टिकली यहां पे बता रहा हूं, मैंने व्हील को जो है वो इस डायरेक्शन में घुमाया, इस डायरेक्शन में। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इस स्पिनिंग व्हील का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर ये ऐसे एक्सिस पे जो है वो घूम रहा है, तो ध्यान से देखना मैंने क्या किया, इसके टेंजेंट के ऊपर एक वेलोसिटी दी, दिस इज द पी वेक्टर। ये मेरे पास अगर मैं इधर से दिखाऊं तो ये मेरा पी वेक्टर है, जो कि आपको सामने से ऐसे दिख रहा है, ये मेरा आर वेक्टर है। तो दिस आर क्रॉस पी,
तो इस स्पिनिंग व्हील का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, मेरी तरफ जो है वो आ रही है, ठीक है। तो यहां पे अगर डायरेक्शन को अंडरस्टैंड किया जाए इस स्पिनिंग व्हील की, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो हम लोगों के पास होगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम एल की डायरेक्शन जो है वो यहां पे होगी। ये व्हील नीचे क्यों नहीं गिरा और ये क्यों जो है वो घूमा, उस चीज को जो है वो आप अंडरस्टैंड करना। यहां पे देखो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो है वो यहां पे ये वाला। दूसरा, इस व्हील के ऊपर अगर सिंपली इसको होल्ड कर रहे हैं तो फोर्स लग रहा है किस तरफ, नीचे की तरफ जो है वो फोर्स लग रहा है। तो कौन कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ ये बताओ सब लोग। तो mg जो है वो यहां पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। अब सोचने वाली बात ये है, अगर मैं इस पर्टिकुलर फोर्स का टॉर्क जो है वो फाइंड आउट करूं तो टॉर्क किसके बराबर होगा, टाओ इज, दिस इज r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। r वेक्टर ये है मेरे पास और f वेक्टर जो है वो नीचे लग रहा है, तो r क्रॉस f टॉर्क जो है वो किस साइड हो गया, अंदर की साइड जो है वो हो रहा है। तो यहां पे टॉर्क की डायरेक्शन ये होगी। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब क्या चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हमारी टॉर्क है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, टॉर्क वाली डायरेक्शन जो है वो होनी चाहिए। अब इसको यहां पे मैं फिर से आपको जो है वो समझा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। मैंने व्हील को जो है वो ऐसे घुमा दिया, अब इसको आप इमेजिन करो ये ऐसे घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम किस तरफ है, इस तरफ है, टॉर्क किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। देखो फिर देख, एंगुलर मोमेंटम किस तरफ है, इस तरफ है, क्योंकि व्हील जो है वो ऐसे घूम रहा था, एंगुलर मोमेंटम इस तरफ था। अभी मैंने बताया इसका आर क्रॉस एफ टॉर्क किस तरफ है, उस तरफ है, अंदर की तरफ, एंगुलर मोमेंटम इस तरफ। अब यही चीज को ध्यान से अंडरस्टैंड करो, एंगुलर मोमेंटम इस तरफ, टॉर्क किधर है, इस तरफ। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, टॉर्क वाली। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होएगा, अपने आप को टॉर्क वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, अपने आप को कौन सी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में टॉर्क प्रेजेंट है। इसीलिए ये जो व्हील जो हमने घुमाया इसको टॉर्क प्रोवाइड करी, घुमाया इसको, तो ये अपने आप को टॉर्क की डायरेक्शन में जो है वो अपने एंगुलर मोमेंटम को करना चाह रहा है। तो जैसे ही अपना एंगुलर मोमेंटम टॉर्क की डायरेक्शन में जो है वो करेगा, तो ये देखो ये व्हील जो है वो इस तरीके से घूमता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये चाह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम टॉर्क की तरफ हो, तो ये घूमे जा रहा है। अब हर डायरेक्शन में टॉर्क बदल रही है, एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है, ठीक है। तो टॉर्क हमेशा नीचे की तरफ ही है, मतलब इस साइड पे ही है, तो उसी को फॉलो जो है ये कर रहा है इसके अंदर। तो इसलिए ये व्हील जो है वो इस तरीके से घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम इस तरफ है, वो टॉर्क को फॉलो करता हुआ जा रहा है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो टॉर्क को फॉलो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और इस तरह से जो है ये रोटेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। आई होप ये जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बता देता हूं, पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ है।